Hello students, today we are going to discuss the chapter work energy and power. इसमें हम लोग सबसे पहले work की study करेंगे. हम ये assume कर रहे हैं कि हमारे पास कोई object है और ये किसी surface पे placed है. हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये किसी सरफेस पे प्लेस्ड है. अब हम इस पर एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर रहे हैं, वेक्टर एफ. ये हॉरिजेंटल से थीटा एंगल बना रहा है और इस फोर्स के इफेक्ट में हम ये जूम कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म कर रहा है. ये डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इतना डिस्प्लेसमेंट हो. तो हमको जब वर्क फाइंड करना होगा, वर्क की वैल्यू क्या होगी? वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टी डिस्प्लेसमेंट. कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ऐसा नहीं होगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और हमने क्या किया कि फोर्स मल्टी डिस्प्लेसमेंट कर दिया. रिजल्ट वो सही नहीं हो. वो रिजल्ट तभी सही होगा जब फोर्स पूरा का पूरा जो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लग रहा है. वो एक स्पेशल केस. फार्मूला वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टी डिस्प्लेसमेंट. And what is the component of force in the direction of displacement? इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे. ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा. एफ साइन थीटा जो कंपोनेंट है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एफ कॉस थीटा के कारण. तो यहां पे हम लिखेंगे एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट एस. एंड दिस विल बी व्हाट? दिस इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा. ये एफ एस कॉस थीटा हो, और जब ये एफ एस कॉस थीटा हो गया इसका मतलब वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. आप कह सकते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसे ही हम वर्क डन कहते हैं. अब इसकी वैल्यू हमने लिखी हुई है एफ एस कॉस थीटा. यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, और इसको हम लोग जूल कहते हैं. न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कि अगर एक न्यूटन का फोर्स किसी बॉडी में वन मीटर का डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा दैट विल बी इक्वल टू वन जूल. वन जूल इज इक्वल टू वन न्यूटन इंटू मीटर. तो इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि वर्क डन कितने तरह का हो सकता है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क डन बाय अ फोर्स. अब जो वर्क डन हो सकता है ये पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो हो सकता है. पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क क्या हो? अगर आपने ये फार्मूला देखा है तो एफ एस कॉस थीटा हमने लिखा है. इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री मीन्स अगर ये एक्यूट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच में लगने वाला, उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो एक्यूट है, तो उस कंडीशन में वर्क डन पॉजिटिव होगा क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी. जैसा कि अगर मैं ये कहूं कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो नीचे की तरफ गिर रहा है,
तो वेट इसका है, ग्रेविटेशनल फोर्स ये लग रहा है और इसी डायरेक्शन में गिर भी रहा है। हम एज्यूम करें कि एच हाइट से वो गिरा तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या बन रहा है, जीरो डिग्री। तो ये हो जाएगा mgh, ये हो जाएगा mgh means work done by gravitational force is equal to mgh in this case। या किसी भी बॉडी को आपने फोर्स अप्लाई किया, ऐसे ऐसे अप्लाई किया और इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट यस हो गया तो वर्क डन इज इक्वल टू fs cos 0 means ये पॉजिटिव वर्क होगा। अब दूसरे तरह का वर्क हम देखेंगे, नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होगा, इसी में यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच में जो एंगल हो वो मोर देन 90 डिग्री हो और लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो उस केस में क्या हो, जो एंगल होगा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू जो है नेगेटिव होती है, इसलिए कॉस थीटा नेगेटिव होगा और इस केस में जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव वर्क होगा, नेगेटिव वर्क, इस केस में जो वर्क डन होगा नेगेटिव वर्क होगा। यही पे देख लीजिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, अभी हमने कहा था कि फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो तो इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, ये ऑब्जेक्ट जो है यहां तक पहुंचा। अब आप ये बताइए कि जब फोर्स इसके ऊपर हमने अप्लाई किया तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ये, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, इस केस में वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ एस, और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के, यानी थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होगी और ये हो जाएगा एफ एस कॉस 180 डिग्री एंड दैट विल बी व्हाट, माइनस एफ एस, मींस वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज द नेगेटिव वर्क, वर्क डन बाय विस्कस फोर्स इज द नेगेटिव वर्क। यही नहीं, अगर वही ऑब्जेक्ट आप ऊपर की तरफ थ्रो करो, इसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ, और आपने एच हाइट तक इसको थ्रो किया होगा तो आप देखें जो एच है, जो फॉरवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा एम जी एच कॉस 180 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस एम जी एच, तो ये नेगेटिव वर्क डन हो, मींस नेगेटिव वर्क डन के लिए थीटा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, जो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है वो ऑब्ट्यूज होना चाहिए। अब हम तीसरे तरह के वर्क में चलते हैं, ये क्या हो सकता है, जीरो वर्क। जीरो वर्क क्या है, इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री देन कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो एंड वर्क डन विल बी जीरो, इस केस में जो वर्क डन होगा जीरो होगा। जैसे आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का केस देख लीजिए, यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है और ये इसकी वेलोसिटी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी व्हाट, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी एफ एस कॉस 90 और ये हो जाएगा जीरो, ये वर्क डन जीरो होगा। या आप कोई लोड जो है कैरी कर रहे हो, ये लोड है, इसको आप कैरी कर रहे हो, मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसके अगेंस्ट आप फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई किए ये, और इसको उठा के ऐसे ले चल, तो या तो ग्रेविटेशनल फोर्स या आपके द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है दोनों जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर है, तो यहां पे जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस इज इक्वल टू जीरो एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल एजेंट, वो भी जो है वर्क डन क्या होगा, जीरो। तो इस तरह के वर्क डन को हम देखेंगे, जैसे एटम में दो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है, ये
ये इलेक्ट्रॉनिक मोशन है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह से काम कर रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो यहां भी वर्क डन की वैल्यू जीरो होगी, ये भी वर्क डन जीरो होगा, तो इस तरह के वर्क डन जीरो होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अभी हमने जो फार्मूला डेवलप किया है W=FS cos θ, यहां हमने फोर्स को कांस्टेंट किया हुआ था, लेकिन सपोज कीजिए कि फोर्स कांस्टेंट नहीं, फोर्स वेरिएबल, ये केस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, दिस इज द फोर्स एंड दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, और मैंने कहा कि भाई फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे या आप ऐसे कह रहे हैं, ये फोर्स, तो इसमें हमने ये मान लिया है कि इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यस आई है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना है ऐसे। आप इसमें देख रहे हो कि फोर्स कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा है। हम क्या करते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, हम एक स्मॉल स्ट्रिप, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं। आप देखें जरूर ये फोर्स वेरिएबल है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट काफी छोटा लोगे आप, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू नियरली क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और इस केस में जो वर्क डन होगा स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी एस, और एफ डी एस क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं ये कहता हूं कि ये ए बी सी डी, तो इसको लिखोगे आप एरिया ए बी सी। अब अगर आपको टोटल वर्क डन फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये पूरी एरिया को हम सम अप करेंगे, जो है जो छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलेंगे सबको सम अप करेंगे, तो टोटल वर्क डन इज इक्वल टू हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ डी एस, इंटीग्रेशन एफ डी एस, और ये पूरी एरिया मिल जाएगी, लिमिट होगी एस आई टू एस एफ, दट इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ एस कर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर। तो इस तरह से हम वेरिएबल फोर्स द्वारा भी वर्क डन फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एनर्जी। व्हाट इज एनर्जी, दी एबिलिटी टू डू वर्क, दी एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब ये एनर्जी कई तरह की हो सकती है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई एम सपोजिंग दैट अ बॉडी इज इन मोशन, देन इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हम डिस्कशन कर रहे हैं, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। हम ये सपोज कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और वो इनिशियली रेस्ट से मूव कर रहा है, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो और इस पे हमने फोर्स अप्लाई किया या, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई वी, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट यस हुआ, तो आपको पता है वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस जीरो, और ये वैल्यू हो जाएगी एफ एस, ये हो जाएगा, एंड फोर्स इज इक्वल टू यू नो मास इनटू एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। अब ये एक्सेलरेशन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, न्यूटन्स सॉरी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, सिंस बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यहां इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन टू एस, ये वैल्यू इसमें प्लेस कर दीजिए, ये वर्क डन हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, एंड व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज वी स्क्वायर अपॉन टू एस, एक्सेलरेशन की वैल्यू वी स्क्वायर बाई टू एस मिली हुई है मल्टीप्लाइड बाई एस, एस विल बी कैंसिल विद एस एंड यू आर लेफ्ट विद वन बाई टू एम वी स्क्वायर, दिस इज द वर्क डन, और ये जो वर्क डन होगा ये बॉडी की काइनेटिक एनर्जी, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, ये काइनेटिक एनर्जी, इसी को हम लोग मोमेंटम के टर्म में भी लिख सकते हैं, यम यम से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा यम स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन टू यम, यानी ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन टू यम, के इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन टू यम,
या आप कह सकते हो मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम की, मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम की, ये हम लिख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। W इज इक्वल टू डेल्टा के, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला होगा। इसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। आई एम सपोजिंग यह फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट विच चेंजेस इट्स वेलोसिटी फ्रॉम U टू V। इसकी वेलोसिटी कहां तक चेंज कर दिया, इसे U टू V चेंज कर दिया, तो वर्क डन कितना हो? वर्क डन इज इक्वल टू यू नो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? थर्ड इक्वेशन आप मोशन से लिख सकते हो आप, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन टू एस मल्टीप्लाइड बाय एस, एस एस से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यानी आप कह सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका अल्टरनेटिव वे भी हो सकता है, आप इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप सबसे पहले स्मॉल वर्क डन फाइंड कर लीजिए, dW इज इक्वल टू क्या होगा? f ds, dW इज इक्वल टू f ds, और f इज इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt इनटू ds। अब इसको हम लिख ले रहे हैं m ds अपॉन dt, और यहां लिख ले रहे हैं हम dv। ds अपॉन dt क्या होगा? वेलोसिटी, mv dv, ये वैल्यू है स्मॉल वर्क। सो टोटल वर्क डन इन चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम यू टू वी, ये हो जाए इंटीग्रेशन करना। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को आप क्या कर रहे हो? यू से वी तक चेंज कर रहे हो, तो ये लोअर लिमिट हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी और वी अपर लिमिट हो जाएगी, और इसको लिख पाएंगे हम यम, एंड दिस विल बी वी स्क्वायर बाय टू। The limit is from u to v. This will be 1/2 m v square minus 1/2 m u square. ये भी जो है वही चीज है, final kinetic energy minus initial kinetic energy. So work done is equal to change in kinetic energy if the force is conservative in nature. Thanks.